मरहबा कलेक्शन, फैशन की दुनिया का भरोसेमंद नाम। ऊंची से ऊंची कंपनियों के कपड़े जैसे रेमंड, अरविंद, सोक्टास, कैडनी, सम्मान, कौनसीमा, लुथाई, सियाराम, ओसीएम और लेलन जैसे ऊंची कंपनियों के कपड़े मिलने का बायतेमाद मरकज। हमारा पता याद रखिए, जमहूर हाई स्कूल मेन रोड, मालदा चौक, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालेगांव। अध्यक्ष जी, टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं। आज किसान अन्नदाता है, लेकिन लेकिन टेक्सटाइल वो सेक्टर है जो किसानों के बाद, खेती के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देता है, बदन ढकने का काम करता है। अध्यक्ष महोदय, अंग्रेजों के जमाने में बड़ी बड़ी टेक्सटाइल मिलें मुंबई में थी। धीरे धीरे जब जमीनों के दाम बढ़ने लगे तो लोगों ने टेक्सटाइल मिलों की जमीन पर मॉल बनाना शुरू किया, नफा कमाना शुरू किया। 100 से ज्यादा मिलें बंद हो गई। अब वो काम जो है भिवंडी, मालेगांव, नागपुर, इचलकरंजी, धुलिया, अमरावती, कामटी, शोलापुर वगैरह में काम हो रहा पावरलूम का। और पावरलूम का के जो सेक्टर है, ये सब ज्यादा काम करने वाले माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं। वहां इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं है। और अभी बिजली का बिल फिर 37% बढ़ाने की बात की रही, ये मौत है उन लोगों की। बार बार कहा जा रहा है कि पावरलूम सेक्टर की तरफ ध्यान दीजिए। सरकार का काम प्रॉफिट कमाना नहीं है, सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है। सरकार का काम है कि देश के लोगों की किस तरह से सेवा हो, किस तरह से वो अपनी जान बचा सके। अध्यक्ष महोदय, आज अगर उन शहरों में जाकर देखेंगे, मजदूरों के पास घर नहीं है, पत्रे का घर लगाकर काम करते हैं। और जो मजदूर पावरलूम में काम करता है, 6 महीने में टीबी हो जाती है उसको, उसके बाल बच्चों के लिए कोई हेल्थ केयर स्कीम नहीं है। मैं मांग करना चाहता हूं कि सरकार को तुरंत उनके बच्चों के पढ़ने के लिए, उनके रहने के लिए वहां पर जो हाउसिंग का बंदोबस्त किया जाए। बिजली का बिल बिल्कुल 37% जो बढ़ रहा है वो नहीं बढ़ना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं बार बार कह चुका हूं, जो लोग सीरियस होते हैं अपने जनता के लिए, मुझे याद है आदरणीय मिश्री मुलायम सिंह यादव जी, 10-15 साल पहले उन्होंने जब देखा कि ये बुनकरों की हालत बहुत खराब है, तो उन्होंने कहा 24 घंटे चलाओ और सिर्फ 72 रुपीज भरो, ओनली 72 रुपीज। और अभी तक चल रहा था, जब से सरकार बीजेपी की आई है उन्होंने उसे बंद कर दिया। यानी गरीबों के हालात देख नहीं रहे आप, उसके क्या तकलीफ होती जा रही है। मैं मांग करता हूं सर कि आप जो है एक जो है अदानी है, टाटा है, इनको भी जहां टोरेंट को लाकर बसा दिया गया है, टोरेंट उन्हीं इलाकों में चली गई है और इतना परेशान है लोग उससे, उनको एक थोड़ा अल्टरनेट होना चाहिए, चॉइस होना चाहिए उनको सर। वहां पर जहां जहां अदानी ये टोरेंट है, वहां पर भी अदानी की, टाटा की, बीएसटी की, इन बिजलियों को भी वहां चांस देना चाहिए, ताकि लोगों के पास एक चॉइस होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, 2 मिनट अध्यक्ष महोदय, बहुत ज्यादती हो रही है इसके ऊपर। अध्यक्ष महोदय, कृषि टेक्सटाइल में अभी जो रेडीमेड कपड़े बनते हैं वो सब आजकल जो है मालोनी में, धारावी में, गोवंडी में बड़ी बड़ी कंपनियों के कपड़े बनते हैं और वो बनकर जाते हैं। फॉरेन की बड़ी बड़ी कंपनियों के स्टिकर लगते हैं और बहुत दाम में बिकता है, लेकिन इनके लिए कोई बंदोबस्त नहीं है। ये सब के सब वहां पर बिजली का बंदोबस्त होना चाहिए, वहां पर उनके लिए कुछ हाउसिंग का बंदोबस्त होना चाहिए। ये बिल्कुल ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वहां है ही नहीं, अनऑर्गेनाइज्ड है, इसके लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं बिजली पानी, 2 मिनट सर, उनका बिजली पानी का वहां बंदोबस्त होना चाहिए।